उस कपड़े को आग लग गई थी ओह और मैं इसको ऐसे पकड़ के लाइन बोल रही हूँ, मुझे ओह माय पता भी गॉड, नहीं कि ये आग लग चुकी है। किंग अंकल की शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उफ, मतलब इट वाज सो फन बट इट वाज आल्सो वेरी टफ कहाँ बिकॉज शूट हुए थे सीन? शिमला के ऊपर कुफरी में पहली बार मैंने स्नो देखा था लाइफ में, और वहाँ गोवा की कंटिन्यूटी थी, तो गोवा का पतला सा ड्रेस कुफरी के बर्फ में ऐसे मेरे पाँव ब्लू पड़ गए थे, बिल्कुल नीले हो गए थे, और कुछ सेंसेशन नहीं था उनमें, क्योंकि पूरा सीन मुझे वो पतले सोल्ड वाले जूतों में, पतले बॉम्बे के सॉक्स में, ऐसे समर के कपड़ों में मुझे वहाँ के सर्दी में शूट करना पड़ा। और कन्वर्सली गोवा के किचन में, जो सबसे गर्म जगह है, वहाँ मंकी कैप, जैकेट और बूट्स वगैरह पहनकर मुझे गर्मी की, ठंडी की शूटिंग, हाँ कॉस्ट्यूम बिल्कुल, तो ये विपरीत कॉस्ट्यूम और मतलब एटमॉस्फेयर का ओहो। लेकिन आपको पता है, किंग अंकल के शूट के पहले दिन पर एक सीन था जहाँ मैं ईंट से उनका उनके दर्द को सेक रही हूँ, क्योंकि उनको लग जाता है वगैरह, और ईंट को इस एक कपड़े के साथ पकड़ा हुआ था मैंने, और उस ईंट को आग के ऊपर गर्म करके, ऐसा कुछ सीन था। उस कपड़े को आग लग गई थी और मैं इसको ऐसे पकड़ के लाइन बोल रही हूँ, मुझे ओह माय पता भी नहीं कि ये आग लग चुकी है यहाँ, और गॉड, उन्होंने काट 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 चिल्लाया, और ओ, क्योंकि बच्चे के हाथ में मतलब आग लग रहा था, तो या दैट वाज व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट ईयर किंग अंकल क्वाइट इवेंट। बट बिसाइड्स दैट, मुझे इतने उम्दा डायरेक्टर्स लाइक सिनेमेटोग्राफर्स एज वेल एज डांस डायरेक्टर्स, सरोज जी थे, चिन्नी प्रकाश, रेखा प्रकाश, देयर वाज जस्ट कमल जी, इट वाज क्रेजी द पीपल दैट आई गॉट टू वर्क विद। और उस समय पे आपको एहसास नहीं होता कि इतने ऐतिहासिक लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, देयर हिस्टोरिकल फिगर्स व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड हिस्ट्री। सो या आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड हिस्ट्री फर्स्ट हैंड, विच वॉज फैबुलस।